कोडरमा जिला जूडो संघ के तत्वावधान में सेक्रेट हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया में 9वीं कोडरमा जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन बालिका वर्ग के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। पहले दिन के प्रतियोगिता का उद्घाटन कोडरमा जिला जूडो संघ के संरक्षक सह कोडरमा पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने किया। इस अवसर पर जूडो संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार, वरीय उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक को बुके देकर एवं जूडो प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर SP कुमार गौरव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ जूडो में भी छात्राएं अपना भविष्य बना सकती हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए भी सभी को जूडो का प्रशिक्षण लेना चाहिए। जूडो ओलंपिक में शामिल खेल है। प्रतियोगिता कोडरमा जिला जूडो संघ के सचिव प्रिंस मिश्रा की देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं रेफरी की भूमिका अविनाश कुमार, कौशल कुमार, धीरेंद्र राणा, अनन्या प्रकाश, लक्ष्मी सिंह, खुशी सिंह, शुभम केसरी, प्रवीण कुमार ने निभाया। कोडरमा जिला जूडो संघ के सचिव प्रिंस मिश्रा ने बताया कि 22 अक्टूबर को बालक वर्ग का प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय जूडो प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी को 23-24 अक्टूबर को राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं कैडेट्स जूडो प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। कोडरमा जिला जूडो प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को झारखंड जूडो संघ के अध्यक्ष KN त्रिपाठी, महासचिव प्रशिक्षित तिवारी, राकेश पांडे, कोडरमा वॉलीबॉल संघ के सचिव ने हार्दिक बधाई दी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।